अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चंगेज़ी। और ये चिकन है 750 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलो से कम है। और इसके अंदर अपने हिसाब से नमक डालें जो आपके टेस्ट के मुताबिक हो। मैं इसके अंदर डालूँगी इस वक्त ये आधा जो स्पून है ये नमक का डाल रही हूँ, ठीक। और इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक ये 1 चम्मच भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें डालूंगी, और ये 1 लेमन का जूस है ये इसमें जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा चिली, चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाला है ये भी मैंने, हल्दी ये 1/2 है, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी, थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब फूड कलर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो मिलाएं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है। अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करना है। मैं थोड़ा हाथ का इस्तेमाल करूंगी, अच्छी तरह से इस पे ये कलर भी आ जाए और ये सब अच्छी तरह शामिल हो जाए। इसमें गरम पैन है, इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाला है मैंने। इसके अंदर ये मसाला लगी हुई मैरिनेट की हुई चिकन को हम फ्राई करेंगे, सब कलर चेंज करना है। सारे पीसेस इसमें डाल के बस अब इसको थोड़ा कलर देना है। ये तकरीबन 1/2 डन हो जाए फिर इसको पलटना है। 3-4 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करूंगी। इसका कलर चेंज हो गया है, इस पर कुछ निशान आ गए। दूसरी तरफ से भी पलट कर 3 से 4 मिनट हो गए और इस पर अच्छा सा कलर आ गया। अब ये 2 मीडियम साइज की अनियन है, फाइनली बिल्कुल इनको चॉप कर दिया है। ये उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर ज़्यादा ऑयल पसंद है तो डाल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। इसके जो चिकन के सारे फ्लेवर्स हैं ये इस ऑयल के अंदर हैं, और जब ये इसके साथ ये अनियन फ्राई होगी तो ये सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ये मसाले वाले ऑयल के अंदर प्याज थोड़ी सी सॉटे हो गई है, और इसके अंदर अब मैं टमाटर डालूंगी। ये 4 बड़े टमाटर हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। आँच तेज करके अब ये मसाला भुनेगा। दस मिनट के लिए मसाले को कवर करके रखा था, अब इसकी ये पोजीशन है। पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये भुनेगा। इस मौके पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और आपकी मर्ज़ी है अगर तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। आधे कप से स्टार्ट की थी, तकरीबन मैंने आधे से थोड़ा कम ही ये 1 कुकिंग स्पून ये वाला
इसके अंदर डाल के इसको भून रहे हैं। चिकन के अंदर फ्राई करते वक्त उसके हिसाब का नमक डाल दिया था, अब ये सिर्फ मैं इस ग्रेवी के हिसाब का डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून है। ये 10-12 काजू हैं भीगे हुए, इनका मैं फाइन पेस्ट बना रही हूँ और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, ये भी फाइन पेस्ट हो जाएगी इसके साथ और ये दिखेगी नहीं। अब ये काजू जो फाइन पेस्ट किया था ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, काजू और कसूरी मेथी पानी के अंदर। अब ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम है गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और ये 3 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा भर के नहीं दरमियाने से ब्लेंड करके योगर्ट है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है सबको। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी मैं, 1/2 कप के करीब। ग्रेवी को सेट करने के लिए और ये 4 हरी मिर्चें हैं और तकरीबन 1 टेबल स्पून हरा धनिया है इसमें। एक कप ये मैं इसके अंदर डालूंगी। तो मैं ये चिकन डाल देंगे जो तैयार था हमारा।